हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं बना रही हूँ हलवाई के जैसे शाही पनीर, और इस रेसिपी को देखने के बाद आपके हाथों में भी हलवाइयों वाला जादू आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए एंड तक, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर मिलेगा। मैंने लिया है सरसों का तेल और वो पक चुका है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता, और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और 1 चुटकी हींग। इन सभी को मैं अच्छे तरीके से पका ले रही हूँ, और अलग से साइड में मैंने प्याज मिर्च लहसुन का अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, और उसमें मैंने डाला है 5 से 6 मूंगफली, जिससे कि ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। इन सभी का पेस्ट बनाकर देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसको चला लेंगी अच्छे से, देखिए, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जो कि सब्जी में अच्छा कलर देगा, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी को अच्छे से चला ले रही हूँ मैं इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, जी हाँ समझ गए होंगे आप, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शाही पनीर मसाला। जी हाँ, शाही पनीर मसाला जो है एवरेस्ट का है, आप भी यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा देता है, कलर भी अच्छा देता है। देखिए कितना जल्दी चेंज हो रहा है कलर। ग्रेवी देखिए आप, इस ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। जी हाँ, कढ़ाई छोड़ देगी, तेल छोड़ देगा, और इससे ये साइन मिलता है कि हमारा मसाला पक चुका है। और हलवाई भी ऐसे ही पकाते हैं, और देखिए तेल छोड़ चुका है हमारा मसाला। मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। उसको डालने के बाद देखिए इस तरीके से पका लिया है मैंने, और ग्रेवी देखिए आप, बिल्कुल कम मसालों में इतनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। अब मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसी के साथ मैंने लिया है ग्रीन पीस, जी हाँ मटर, इसको भी मैं इसमें ऐड करके धीरे धीरे से इसको हम चला लेंगे बिल्कुल आराम आराम से। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना यूज कीजिए। इसको हम इस तरीके से चला ले रहे हैं आराम आराम से, देखिए कितना अच्छा कलर दे रहा है। अगर आपको सूखी बनानी है तो आप इसमें पानी नहीं डालिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें रसा चाहिए, जिससे कि चावल के साथ भी ये मज़ा आए इसको खाने में। अब देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, 1 छोटी गिलास से 2 गिलास। इसको हम अच्छे तरीके से चला ले रहे हैं और 5 से 6 मिनट तक पका ले रहे हैं। इस तरीके से हमारी जो शाही पनीर है वो रेडी है। इसमें आप हरी धनिया डालकर सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच।